नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। हल्द्वानी में एक बारात को बेरंग वापस लौटना पड़ा क्योंकि देर रात आई इस बारात में दूल्हे ने जमकर शराब पी। इसके बाद नशे में 5 लाख और कार की डिमांड कर डाली और जब बात आगे बढ़ी तो दूल्हा शादी का मंडप छोड़कर ही फरार हो गया। गजब की बात यह है कि खुद अपनी ही शादी में दूल्हा शराब पीकर उत्पाद मचाते हुए नजर आया। मामले को बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया, लेकिन इसके बाद दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक घटना बीती रात की है। बिठोरिया क्षेत्र निवासी एक युवक की शादी हल्द्वानी की ही एक युवती के साथ तय हुई थी। शनिवार रात गाजे बाजे के साथ बारात गैस गोदाम में स्थित बारात घर में पहुंची, जहां दुल्हन पक्ष ने बारात का स्वागत किया। जयमाला के दौरान शराब के नशे में धुत होने के कारण दूल्हा और उसके दोस्तों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन दुल्हन पक्ष के लोग अपनी इज्जत के खातिर सब कुछ सहते रहे। जयमाला की सारी रस्में होने के बाद दूल्हा वापस अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए चला गया और जब वो वापस लौटा तो उसके जीजा और दोस्तों ने खाने को खराब बताकर पार्टी के लिए पैसे की डिमांड रख दी। इतना ही नहीं, दूल्हे ने शादी करने के लिए 5 लाख रुपए और कार देने की भी शर्त रख दी। जब दुल्हन पक्ष ने उसकी इस हरकत का विरोध किया तो दूल्हे ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। बारात में हंगामा बढ़ता देख घटना की सूचना मुखानी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया और दोनों पक्षों के बीच समझौते की बात कही, लेकिन दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं मुखानी थाना अध्यक्ष रमेश बोरा का कहना है कि पीड़ित पक्ष की तरफ से अभी कोई तहरीर नहीं आई है, तहरीर आने के बाद ही मामले पर उचित कार्यवाही की जाएगी। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।